नमस्कार, द न्यूज़ी रूहानियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अरविंद शर्मा, और आज हम बात करेंगे हमारे कुछ दिग्गज क्लासिक कलाकारों से, कुछ दिग्गज क्लासिक संगीतकारों से। आइए जानते हैं कि वो लोग संगीत के बारे में क्या समझते हैं, या संगीत की कुछ बारीकियों के बारे में क्या समझते हैं। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, द न्यूज़ी की रूहानी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे साथ बने हैं श्री देवाशीष अधिकारी जी। तो आइए उनसे जानते हैं म्यूजिक की बारीकियों के बारे में। स्वागत है आपका। नमस्कार सर, म्यूजिक, आपके म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए सर। मेरा तो म्यूजिक है, संगीत में ही आता है। मैं तो एक्चुअली तबला वादक हूँ, और तबला ऐसे ही एक विषय हो या सब्जेक्ट है जो नमक का काम करता है। मतलब हर चीज़ों में, चाहे गायन के साथ हो, नृत्य के साथ हो, या तो तंत्रवाद के साथ हो, किसी के साथ भी हो, तबला को, बिना तबला तो कुछ होता नहीं है। सर, किसको आपने प्रेरणा का स्रोत लिया था, किसको एज एन इंस्पिरेशन लिया था आपने जब शुरुआत करी थी इसकी? ये मेरे पिताजी पंडित आनंद मोहन अधिकारी जी, क्योंकि वो भी आपका बहुत बड़े एक तबला नवाज के शागिर्द हैं, उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब का, जो फरुखाबाद घराने से बिलोंग करते थे। पापा से देखा, पापा से सीखा, उसके बाद पापा ने अपने गुरु के बेटा जो है मेरा, जो खलीफा है उस्ताद साबिर खान साहब, उनके पास जाके मैं सीखना शुरू किया। तो निरंतर है, अभी भी चल रहा है सीख, क्योंकि दिस इज़ एंडलेस प्रोसेस, क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं। जितना भी सीखते हैं उतना भी सोचते हैं इतना ही कम रहेगा। बिल्कुल सर। सर, आज की पीढ़ी का म्यूज़िक और जो आपकी पीढ़ी का म्यूज़िक था, उसमें क्या कुछ अंतर पाते हैं? आज की जो पीढ़ी का म्यूज़िक है, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं तो जो यूथ सोसाइटी है, जो युवा समाज है, ये जो है ये भाग रहा है, दिशा नहीं है कोई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलने में, कि मैं तो सोच रखा हूँ कि धीरे धीरे मैं सिखाना बंद कर दूंगा। मैं उसी को सिखाऊंगा जो बिल्कुल संगीत को करने लगे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो हमने मेहनत किया है, एक देखो, एक मेहनत करके ऊपर जाना, और सोशल मीडिया के रहते हुए अपने बस फोटो अपलोड करने के लिए कभी फेसबुक में, कभी उसमें, इसमें लगे हुए हैं। बट जो चीज़ है, हमने अभी भी सोचते हैं कि हमने कुछ सीखा नहीं, अभी भी गुरु मिलते हैं। गुरु के अलावा बहुत ऐसे ऐसे स्टॉलवर्ट का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है। आप, मेरा जो सब्जेक्ट है तबला, उसमें जो अभी इंडिया के पिलर है पंडित अनिंदो चटर्जी जी, संजय मुखर्जी जी, ये सुमित जी भाई बैठा हो, वो जानते हैं, ये सबका नाम सुने हैं ये लोग। मुझे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि रिकॉर्ड कर, मैंने 10 कायदा बनाया रूपक का। मैंने कहा दादा मैं तो आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। बोले नहीं, एक चीज़ है पात्र में डालना और उसमें डालना, जिसको तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन बात यह है, मुझे, हमें पता है कि तुम इस चीज़ को जायज़ काम करोगे। तो ये मैं भाग्यशाली हूँ इस बारे में। सर, अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कितना कुछ स्ट्रगल आपने किया? स्ट्रगल आज के जनरेशन कर नहीं पाएंगे। स्ट्रगल करने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने शहर में हो, तो आपके साथ अपना मकान है, रोटी है, सब कुछ आपको टाइम पे सब मिल रहा है। लेकिन जब आप शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाओगे या दूसरे जगह पे जाओगे, तब वो चीज़, वो प्रावधान, वो जो भी चीज़ें हैं, वो आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे, तभी आप अपने, हाँ बिल्कुल, वो स्ट्रगल आपको झेलना है। वो स्ट्रगल आपने झेले नहीं तो आप कभी भी कलाकार नहीं बन सकते। सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको नक्शे कदम पर, आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, आपको एज एन इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं? नहीं, इंस्पिरेशन तो यही है, सबसे बड़ी बात है। जैसे हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं पुराने खलीफा उस्तादों को, उस्ताद अहमद जान थरेगुआ खान साहब,
मेरे दादा गुरु जी उस्ताद करामतुल्लाह खां साहब, आमिर हुसैन खां साहब को, पंडित श्यामदा प्रसाद जी को, किशन महाराज जी को, हम लोग इनको सुनते हैं क्योंकि इनसे इनसे ये ये इनसे प्रेरणादायक है कि वो लोग जो चीज़ करके गए हैं वो चीज़ असलियत सीखना है। और जो न्यू जनरेशन है वो ये सब सुनते ही नहीं, वो तो अपने गुरु को भी सुनते नहीं है। मैंने आप भी बताऊँगा नहीं, मैं अभी ऐसा हुआ, मैं कॉन्सर्ट में गया, मेरा एक स्टूडेंट भी मेरे साथ था, वो देखा मैं वो इधर उधर घूम रहा है। मतलब चीज़ जो है आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज की डेट में आई एम नॉट हैप्पी फॉर न्यू कमर जो आ रहे हैं, बहुत दुखी ये है। क्योंकि एक थे पंडित निखिल बनर्जी जी, सितार वादक थे, सुमित भाई जानते हैं, माशाल्लाह जो भगवान करे वो जो बजा के गए हैं, वो कभी आपने शागिर्द बनाए नहीं। वो बोलते मैंने खुद कुछ सीखा नहीं, मैं क्या शागिर्द बनाऊँ, मेरे पास रियाज का टाइम नहीं है। तो मतलब ये है कि शागिर्द वही हो सकता है जो गुरु के साथ 24 घंटे रहते हैं, तो तभी हो सकता है, और उस चीज़ पे पूरा डेडिकेशन के साथ करेंगे तभी होता है। चलो सर, आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हम तैयार बिल्कुल बैठे हैं, तो हाँ बिल्कुल मिलते हैं आपको। और सर, सुर संगम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म? ये सुर संगम एक्चुअली जो चलाती हैं लेडी अपर्णा जी, अपर्णा भट्टाचार्य जी, ये मेरे से संगीत के जरिए ही जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने मुझे बोले कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपका मेंटरशिप चाहिए। मैंने कहा मैं तो ऐसे लोगों के साथ हर टाइम हूँ और जुड़ा हुआ हूँ और करता भी रहता हूँ, और शास्त्रीय संगीत के लिए आप इतना कुछ सोच रही हैं ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में कोई सोचते नहीं है। तो सरकार तो चलो, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि सरकार का भी मैं इसलिए नहीं कहूँगा, सरकार संगीत नाटक अकेडमी ICCR इन सब में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं मुझे भेजते भी रहते हैं, बाहर जाता रहता हूँ। तो सरकार जो जितना कर रहे हैं उतना ठीक कर रहे हैं, लेकिन बट जो पब्लिकली जो लोग ऐसे संस्था आगे आ रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जो कलाकार लोग हैं उनके लिए करना चाहिए। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत रूहानियत में बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।